स्टूडेंट्स, सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, वादे के मुताबिक आज हम आपके सामने यहाँ पर हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्लास लेके, यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लेक्चर 1। और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बच्चों, मैथमेटिक्स आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का। और यहाँ पर हमारी जो फाइट है वो 15 में से पूरे 15 नंबर लेने की रहेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में रीजनिंग 25 और मैथ्स 15 मार्क्स का आएगा। और ये 40 नंबर आपके लिए जैकपॉट है, ये 40 में से आप 40 नंबर ले सकते हो, क्योंकि जीके में पूरा स्कोर नहीं हो पाता, तो हमें यहां पर नंबर खींचने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि दिल्ली पुलिस ने पिछली बार किस लेवल के क्वेश्चन पूछे थे, और फिर उस लेवल से एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन हम इस बार करेंगे, और प्लस वो लेवल तो करेंगे ही करेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो कि 2017 के पेपर में आया था। ठीक है, यहां देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का जो बेसिक सॉल्यूशन है, पहले मैं उसकी बात करूंगा, फिर इस क्वेश्चन को हम एक सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते थे उस पे आएंगे। ठीक है, पहले जनरल बेसिक सॉल्यूशन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ट्रिक हर तरह के क्वेश्चन में काम नहीं करती। इसलिए आप बेसिक जरूर सीखो, फिर पेपर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, अब देखिए, आपको मालूम होगा कि जब भी आपके सामने फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, इसको क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। तो इसमें हम लोग ये जो 99 है, कितने 99 है, 5, इनको तो अलग से जोड़ लेंगे, और जो फ्रैक्शन बच गए उनको अलग से जोड़ लेंगे, 1/2, 1/6, 1/10, 1/20 और 1/30। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 495। और इसका एलसीएम बच्चों कितना आएगा, अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या लिख देंगे, 30। तो बच्चों 30 जो है वो 20 से डिवाइड नहीं होता, तो एलसीएम क्या आएगा, 60। और 60 एलसीएम आ गया तो 2 से कितनी बार जाएगा, 30 बार, तो यहां आ गया 30। 6 से ये जाएगा 10 बार, फिर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 से। अब इसको आप ऐड करोगे तो 30 और 10 40, और 6 46, और 3 49, और 2 ये हो गया 51/60। तो देखिए 495 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 60। अब इसके आगे बच्चों यहां पर आपको आएगी प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 60 से मल्टीप्लाई करना मतलब एक आसान काम नहीं है, यानी यहां पे जाके बच्चा कंफ्यूज होगा। सॉल्व तो हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व होगा, 495 इंटू 60 प्लस 51 और डिवाइडेड बाय 60। और फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आने वाला है 2975/6। अब मेरी बात को समझना, मैंने इसको यहां सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं आपका टाइम बचाने वाला हूं। ये तो इसका बेसिक सॉल्यूशन है, जिसमें जो सिर्फ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम था। अब बात करते हैं कि पेपर में ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना था। देखिए, इसको आप नोट कर लेना और घर पे आराम से बैठ के सॉल्व करते रहना। मैं आता हूं कि पेपर में बच्चों, इस क्वेश्चन को ये एग्जाम में ऐसे आया और 4 ऑप्शन लिखे हुए थे, और वो ऑप्शन क्या क्या थे, 2975 डिवाइडेड बाय 6, ऑप्शन दूसरा था 3987 डिवाइडेड बाय 7, तीसरा ऑप्शन था 2157 डिवाइडेड बाय 17, और चौथा ऑप्शन था 2835 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, अब जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए, एडिशन का, तो आपको बस एक ही चीज पर काम करना है कि एलसीएम क्या होगा। अब आप यहां देखिए, 2, 6, 10, 20 और 30, इनका एलसीएम क्या आएगा, 2, 6, 10, 20 और 30, इनका एलसीएम क्या आएगा, 60, यानी कि 60 आएगा नीचे, और 60 जिसके टेबल में आता हो वही आपका डायरेक्टली क्या था, आंसर। यानी आपको जब भी बड़े बड़े फ्रैक्शन, बड़े बड़े भिन्न दिखाई दे, तो बस आप उसका एलसीएम देख लो, 2, 6, 10, 20 और 30, एलसीएम 60, और 60 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में, तो यही आंसर है 100%। और ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं होता कि यहां पे 15 हो, कि सर 15 के टेबल में भी तो 60 आता है। बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहां पे 6, सर यहां पे 12 होता तो 12 के टेबल में भी 60 आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा रेयर ही कभी मिलेगा। और अगर मिल गया तो बेसिक सॉल्यूशन मैंने बताया था, आप लोग उससे सॉल्व कर ही सकते हो।
लेकिन जनरली ऐसा नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें सिर्फ एक सेकंड में लगाना था। कैसे? एलसीएम निकालो और वो एलसीएम जिसके टेबल में आता हो वही आपका आंसर। तो ये नीचे 17-19 का कोई रोल था ही नहीं, सीधा सीधा ये आंसर था। बात समझ गए? चलिए अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे ही जिसको आपने आज तक बेसिक से सॉल्व किया होगा, हम बिना बेसिक के उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं लेता हूं एक एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि औसत। बच्चों दिल्ली पुलिस के हर एग्जाम में एवरेज टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप चाहे सन 2000 का दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकाल लेना, एवरेज का क्वेश्चन हमेशा आता है, पर हमारी अप्रोच सही नहीं होती और हम उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन क्या था कि एक टीम है जिसमें 11 प्लेयर्स, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूं। एक टीम है जिसमें 11 प्लेयर और प्लस 1 कोच, इनकी जो एवरेज एज है, औसत उम्र, वो दी हुई थी 33। पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना, उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक टीम है जिसमें 11 प्लेयर हैं, एक कोच है, और उन सभी की जो एवरेज एज है बच्चों वो कितनी है, 33 प्लस। और इसमें क्या दिया हुआ था कि जो 5 प्लेयर हैं उनकी एवरेज एज है 29, और जो बाकी 6 प्लेयर बच गए उनकी एवरेज एज है बच्चों 30। तो आपसे पूछा हुआ था कि कोच की एज क्या होगी, ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बात है टाइम कहां सेव होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक टीम में 11 प्लेयर और एक कोच जिनकी एवरेज एज यानी कि औसत आयु 33 साल है, 5 प्लेयर्स की एवरेज एज है 29 और 6 प्लेयर्स की एवरेज एज है 30, तो कोच की उम्र क्या होगी। अब पहले मैं इसका बेसिक सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले तो एवरेज औसत का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर, इसको आप हमेशा याद रखना, क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आता ही आता है, हर बार आता है। एवरेज औसत बराबर क्या होती है, सम यानी के कुल योग और अपॉन नंबर यानी के कुल संख्या। ठीक है, ये होता है एवरेज। अब अगर हम 12 लोगों की एवरेज, 11 और एक कितने हो गए 12, और एवरेज क्या गिवन है 33, तो यानी कि हमारे पास इन सब की टोटल एज आ जाएगी, और वो 33 की आप 12 से गुणा करोगे तो ये आ गया आपके पास सम, जो कि आ जाएगा 396। ये तो हो गई टोटल एज 12 प्लेयर्स की। उसके बाद 5 प्लेयर की एज कैसे निकलेगी, 29 × 5, ये 5 प्लेयर की एज हो गई कितनी 145, और 6 प्लेयर की एज क्या हो जाएगी 30 × 6 यानी कि 180। इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 5, 12, और ये आ गया हमारे पास 325, और 396 में से 325 आप घटा देंगे तो ये हमारे पास किसकी उम्र आ जाएगी, कोच की। अगर थोड़ा जल्दी हो गया हो तो फिर से समझ लेना, पहले 33 औसत है 12 लोगों की, तो टोटल हो गया 396 33 × 12 करके। उसके बाद 5 प्लेयरों का टोटल हो गया 145, 6 का टोटल हो गया 180, यानी कि 11 लोगों का टोटल है 325 और 12 लोगों का टोटल है 396। तो अगर हम माइनस कर देंगे तो ये 12वें आदमी की एज आ जाएगी, और वो कितनी आ गई, 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 2 गया 7, तो यानी कि ये हो गई एज ऑफ कोच। ठीक है, अब ये तो वो सॉल्यूशन हुआ जो आपको हर किताब में, हर टीचर, हर तरह से आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। पेपर में आप एक दूसरी अप्रोच भी लगा सकते थे, जो कि आपको इससे बहुत कम लिखना पड़ेगा, इससे 1/10 टाइम ही हम लेंगे और कोच की एज हम लोग निकाल लेंगे। अब आप ध्यान देना, अप्रोच बदलो तभी 15 में से 15 नंबर 10 या 12 मिनट के अंदर आएंगे। चलिए इसको नोट कर लेना आप लोग। अब सुनिए इस क्वेश्चन का फटाफट वाला सॉल्यूशन। देखिए 12 लोगों की एज क्या है, 33। बच्चों औसत जो होती है ना, ये एवरेज, ये 12 लोग हैं और इनकी एवरेज 33 है, तो एवरेज का मतलब होता है कि हर आदमी की उम्र 33 33 33 33, लगभग 33 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब 12 आदमी है, सारे 33 33 साल के हैं, लेकिन उसने बता दिया कि उनमें से 5 आदमियों की उम्र क्या है 29, 5 आदमियों की उम्र क्या है 29, यानी कि 33 से 4 कम है।
अब चार का फर्क आया पांच आदमियों पे, यानी के 5 × 4 20 का फर्क तो यहां पड़ा, जो 33 होनी चाहिए थी वो कितनी है 29, यानी कि 4 का फर्क आया एक आदमी पे और 5 आदमी है तो टोटल 20 का फर्क तो यहां आ गया। इसी तरह से 6 आदमियों की क्या थी 30, यानी कि 3 का फर्क आया और ये कितने आदमियों पे 6 आदमियों पे 18 का फर्क बच्चों यहां आ गया। तो कोच की एज कितनी होगी, ये 20, ये 18 और एक जो एवरेज हमें दिया हुआ था 33, इसको जोड़ देंगे 71 एज ऑफ कोच। बच्चों नया तरीका है लेकिन सीखने की कोशिश करना, जब भी आपको जो एक्स्ट्रा आदमी है जैसे कि यहां पर प्लेयर के अलावा कोच एक्स्ट्रा है, इसकी उम्र जब भी पूछी जाएगी तो कोच की उम्र हमेशा औसत से ज्यादा ही होती है, कोच कभी बच्चों से छोटा नहीं होता, यानी कि कोच की उम्र 33 इससे ज्यादा ही होगी। तो ये 33 को आप लिख लो और प्लस जितनी कमी रही उस कमी को जोड़ दो। देखो 29 में 5 प्लेयर थे और 4 की कमी थी, एक प्लेयर पे 4 की कमी तो 5 प्लेयर पे 20 की कमी हो गई। इसी तरह से 6 प्लेयर 33, एक प्लेयर पे 33 30 3 की कमी तो 6 प्लेयर पे कितनी हो गई 18, यानी 20 की कमी तो यहां पर है और 18 की कमी यहां है और 33 सबका औसत है। तो औसत में अगर आप कमियां जोड़ दोगे तो वो किसकी उम्र आ जाती है, जो एक्स्ट्रा आदमी वहां पर मौजूद है। यानी पेपर में अब ये सब आपको लिखना नहीं था, पेपर में क्या करना है कोच की एज निकालनी है, 33 से ज्यादा ही होगी यानी 33 तो हमारे पास आ गया, 5 लोगों पे 29, 4 की कमी है 20 जुड़ गया इसमें कितना हो गया 33 और 20 53 और 6 लोगों पे 3 की कमी यानी कि 18, 53 और 18 कितना हो गया 71। सॉल्व जरूर करोगे लेकिन इस क्वेश्चन को मन में भी सॉल्व किया जा सकता है, 5 पे 4 की कमी 20, 6 पे 3 की कमी 18, 38 और 33 की औसत, औसत और कमियां जोड़ दोगे तो किसकी उम्र आ जाएगी कोच की उम्र। तो ये अप्रोच रखना पेपर में तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर में प्रॉफिट और लॉस से आया था, मैं वो लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये था बच्चों कि 40 कुर्सियां 10,000 रुपए में खरीदी गई, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है 40 कुर्सियां 10,000 रुपए में खरीदी गई कॉस्ट प्राइस। अब वो कहता है कि यदि 10,000 रुपए में वो कितनी कुर्सियां बेचे कि उसे 60% का प्रॉफिट हो जाए, लाभ हो जाए, कुर्सियां निकालनी है, ये सवाल है। एक आदमी 10,000 रुपए में 40 कुर्सियां खरीद कर लाया, अब उसे 10,000 रुपए में कितनी कुर्सियां बेचे कि उसको 60% का क्या हो जाए लाभ। अब कॉमन सेंस की बात है कि पैसे तो 10,000 ही है लेकिन उसको लाभ चाहिए, इसका मतलब कि कुर्सियों की संख्या उसे क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। भाई 40 10,000 में खरीदी, अब 10,000 रुपए में बेचनी है लेकिन 60% का लाभ भी कमाना है तो क्या करें। अब जब भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आए ना तो आप सबसे पहले जो चीज पूछी है वो एक जरूर निकाल लिया करो, यानी अगर एक आदमी हम जनरली देखें 40 कुर्सियां 10,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है, यानी कि 40 का दाम कितना है 10,000, तो एक कुर्सी का दाम कितना होगा भाई 10,000 और डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, और इसको कैंसिल करोगे तो ये एक कुर्सी की कीमत कितनी आ गई बच्चों 250, ठीक है। अब एक कुर्सी पे 60% कमाए या सभी कुर्सियों पे 60% कमाए, बात तो एक ही है भाई, जो 60% का लाभ कमाएगा, लाभ या हानि किस पे कमाई जाती है सीपी पर, क्रय मूल्य पर, यानी अगर वो इस 250 पे 60% कमाएगा तो हर कुर्सी पे कितना कमाएगा 60%। अब सुनिए 250 का अगर मैं क्या निकाल लूं यहीं पर 60%, ठीक है, तो ये आएगा 150, यानी कि 250 रुपए की एक कुर्सी है और 150 रुपए का उसे क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो यानी एक कुर्सी उसे कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी 400 रुपए की, यहां तक समझ में आया,
इतना बड़ा सॉल्यूशन है नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो। सीधा सीधा 40 का दाम 10,000, एक का दाम 250 और उस पे 60% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 250 की चीज पे 150 का लाभ चाहिए, यानी 400 में बेचनी पड़ेगी। अब ये तो एक कुर्सी हुई और उसने कुर्सियां कितनी बेची, 10,000 रुपए की। तो 10,000 रुपए की अगर 400 के हिसाब से बेचेगा तो कितनी कुर्सियां आ जाएंगी, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 25 कुर्सियां। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा सवाल था, एक कुर्सी का दाम निकालो और उसमें लाभ जोड़ दो प्रॉफिट, और फिर उस लाभ से जो नई सेलिंग प्राइस आई, जो नया विक्रय मूल्य आया, किसको भाग कर दो, जितने रुपए में आपको टोटल बेचना है। भाई ये तो एक कुर्सी का दाम था ना 400, और टोटल उसे कितने में बेचनी थी, जितने में खरीदी थी उतने में ही बेचनी थी। तो जब सेलिंग प्राइस आपके पास दोनों आ जाए तो टोटल पैसे को एक कुर्सी के पैसे से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाता है कि कुल कितनी कुर्सियां बेचनी पड़ेंगी। ठीक है, एक का दाम 250, 150 का लाभ, 400 में एक कुर्सी बिकेगी, और टोटल कितने रुपए में बेचनी थी, 10,000 में। तो दोनों पैसों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो कुल 25 कुर्सियां अगर वो बेच देगा 10,000 की, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 60% का लाभ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आप ये मत समझना कि पेपर में हर एक क्वेश्चन एक सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि ऐसे करोगे तो 15 क्वेश्चन 15 सेकंड में ही हो जाएंगे। कोई कोई क्वेश्चन होगा जो आपका एक मिनट लेगा, कोई क्वेश्चन एक सेकंड लेगा, कोई क्वेश्चन 15 सेकंड लेगा। इस तरह से 15 क्वेश्चन को हम 10 से 12 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आप देखते ही इसको सॉल्व कर दें, आपको एक कुर्सी का दाम निकालना पड़ेगा, फिर लाभ निकालना पड़ेगा और थोड़ा सा भाग करना पड़ेगा। कैलकुलेशन मुश्किल से 20 या 25 सेकंड की है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ध्यान से इसको नोट करना आप लोग। आज मैं मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि मैं आपको यह दिखाऊं कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग कितना आसान आता है। बस आप लोग थोड़ा ध्यान से करें तो पूरे के पूरे 40 नंबर आप ले सकते हो। चलिए अब मैं एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लेता हूं, बड़ा ही इजी चैप्टर है ये। ठीक है, टाइम एंड वर्क। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूरी नहीं लिखूंगा, क्योंकि आज की क्लास हमारी समझ लीजिए कि प्रैक्टिस क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आपको सिर्फ ये दिखाने वाला हूं कि हम किस तरह की अप्रोच लेके चले पेपर में। तो आज की क्लास में आप समझना ज्यादा और भले ही लिख थोड़ा सा कम लेना। देखिए, तीन आदमी मान लेते हैं ए बी और सी, ये दिया हुआ था, और वो किसी काम को 48 दिन, 12 दिन और 24 दिनों में करते हैं, यानी कि ये दिया हुआ था समय। तीन आदमी किसी काम को 48 दिन, 12 दिन और 24 दिनों में करते हैं, तो पूछा आपसे क्या था कि तीनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर दो तिहाई काम कितने समय में करेंगे, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब बहुत लोग बताते हैं कि टाइम एंड वर्क इतना आसान चैप्टर है कि इसमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दिखाऊंगा कि आप यहां भी अपना टाइम बचा सकते थे। पहले मैं बेसिक सॉल्यूशन ही कराऊंगा। क्वेश्चन समझ गए, तीन आदमी किसी काम को 48, 12 और 24 दिन में करते हैं, यदि तीनों मिलकर दो तिहाई काम करें, यानी कि पूरा काम नहीं करवाना, सिर्फ दो तिहाई काम करें, तो कुल कितना समय लगेगा। सुनिए, तो सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं इन तीनों का एलसीएम, और वही एलसीएम हमारे लिए क्या होता है, टोटल वर्क, कुल काम। अब 48, 12 और 24 तीनों के तीनों, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 48, ये किसके टेबल में आती है, 48 के, यानी कि 12, 24, 48, एलसीएम क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, इसका मतलब, और ये जो सामने आती है ये क्या होती है, क्षमता। मेरे ख्याल से आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की तो ये बात आपको जरूर पता होगी कि टाइम एंड वर्क में यहां लिखते हैं समय, यहां लिखते हैं टोटल वर्क यानी कि कुल काम, और टोटल वर्क को जब हम इससे भाग दे देते हैं, 48 को 48 से भाग करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक। 48 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4, और 48 को 24 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। क्षमता, ये आ गया एक दिन का काम। बात समझ गए, अब काम कितना करना है, सिर्फ दो तिहाई। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क हमारे लिए कितना है, 48, और हम इसका क्या निकाल लेंगे, दो तिहाई, जो कि हमारे पास आ जाएगा 16 दुनी 32। और अब इस 32 काम को अगर तीनों मिलके करेंगे तो काम है 32, और तीनों की क्षमता क्या है, 4 और 2 6 और 1 7, तो 32/7 ये हो जाएगा हमारा आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था, एलसीएम लिया,
तीनों का एक एक दिन का काम यानी कि क्षमता निकाली और सबसे पहले टोटल काम नहीं करवाना था, सिर्फ दो तिहाई काम ही करवाना था। तो 48 का दो तिहाई कितना होगा? 32। और तीनों की क्षमता कितनी है एक दिन में? 7 काम करने की। तो 32/7 दिनों में काम हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर सकते थे, देखिए। क्वेश्चन यही था, तीन आदमी इतने दिन में करते हैं, 48 एलसीएम आ गया, क्षमता आ गई 1, 4, 2, ये 7, ये 7 होता है एक दिन का काम सबका मिला के, ठीक है। और आपसे पूछा था कि तीनों मिलकर दो तिहाई काम को कितने समय में करेंगे, और ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए थे भाई। ऑप्शन थे 28/9, 32/7, 16/5 और 33/6। अब देखिए, जब तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 7। यानी जिस ऑप्शन में नीचे 7 दिखाई दे वही आपका आंसर। लेकिन अगेन, अगर कई ऑप्शन में 7 लिखा हुआ होगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ के और आप ऑप्शन की तरफ जरूर देख लें। एक दिन का काम 7 है और सिर्फ एक ही ऑप्शन में नीचे क्या दिया हुआ है? 7। तो आपका आंसर डायरेक्टली आप मार्क कर सकते थे। ये था टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन। तो ध्यान रखना बच्चों, ऑप्शन से भी हम खेलेंगे। कुछ बच्चे होते हैं, सर हमारा मैथ्स कमजोर है, हमें कोई ऐसा तरीका बता दो। तो 15 के 15 क्वेश्चन में तो हम ऑप्शन वाला तरीका नहीं लगा सकते, लेकिन कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन में हम 15 नंबर सिर्फ ऑप्शन को देख कर ले सकते हैं। तो आप ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, मैं एक परसेंटेज का क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं जिसको हम लोग एक स्टेप में सॉल्व करेंगे, आप बहुत टाइम उसमें वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन ये था, 60% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज 96, देन व्हाट विल बी 48% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों को मैं समझा देता हूं। कोई नंबर है जिसके 60% का 40% 96 है, या मैं हिंदी में लिख भी देता हूं, इसकी लैंग्वेज आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। किसी संख्या के 60% का 40% 96 है तो उसका 48% कितना होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप बहुत देर तक लगे रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना, जिस बच्चे को प्रतिशत को भिन्न में बदलना आता है वो इस क्वेश्चन को एक ही स्टेप में कर देगा। कैसे कर देगा, सुनिए मेरी बात। आपको मालूम है कि 60% कितना होता है? 60/100। बच्चों ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अभी के लिए मैं लिख देता हूं। और 60/100 को आप 20 से कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/5। इसी तरह से 40% किसके बराबर हो जाएगा? 2/5 के। और इसी तरह से 48% आप निकालेंगे तो 48/100 और 4 से काट देंगे तो वो आ जाएगा 12/25। यानी कि क्वेश्चन में जब भी आपके सामने प्रतिशत का क्वेश्चन आए तो आप प्रतिशत को किस में बदल लें? फ्रैक्शन में, भिन्न में। अब देखिए, मैं सिर्फ भिन्न लिखूंगा। 60% का मतलब 3/5, ऑफ का मतलब होता है गुणा, 40% का मतलब 2/5 गुणा ए नंबर, कोई नंबर। अब नंबर नहीं मालूम है तो लिख लेते हैं क्या, एक्स। और ये किसके बराबर है? 96 के। तो अगर खाली हमसे नंबर ही पूछा होता, मतलब ये जो आगे वाला हिस्सा है ये ना दिया होता, सिर्फ नंबर पूछा होता, तो हम करते क्या कि एक्स की वैल्यू आ जाती 96 × 5/3, क्योंकि 3/5 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? 5/3। और 2/5 क्या हो जाएगा? 5/2। अगर आपसे खाली नंबर पूछा गया होता तो इसको सॉल्व कर देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा कि उस नंबर का 48% कितना होगा। अब ये क्या है, ये वो नंबर ही तो है, तो हम 48% भी यही निकाल लेते हैं, यानी कि 12/25। ये 12/25 कहां से आया? यहां से आया।
मेरी बात समझ में आई? तो क्वेश्चन एक ही स्टेप में आप सॉल्व कर सकते थे, यानी कि जब भी आपको सबसे पहले तो नंबर निकाले, नंबर क्या आएगा 96 × 3 5/3 5/2, ये तो नंबर आ गया, और उस नंबर का क्या पूछा है 48%, और 48% कितना होता है 12/25। अब देखना कितनी आसानी से नंबर आएगा, 5 5 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, और 3 × 2 = 6 और 6 से ये कैंसिल हो गया 2 पे, बस आपको 96 का क्या करना था डबल, वही आपका आंसर था x = 192। समझ गए मेरी बात? तो सारा काम सीखने के बाद एक ही स्टेप में करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदल लो, भिन्न को दूसरी साइड ले जाओ, नंबर मिल गया, और नंबर का क्या निकालना था 48%, वो भी साथ के साथ गुणा कर दो, उसके बाद सॉल्व कर दो, आंसर आपका एक ही स्टेप में आ जाएगा। तो जो समझदार बच्चा है मेरे हिसाब से वो ये समझ गया होगा कि डायरेक्टली हमें पेपर में क्या लिखना है, ये वाला स्टेप कि जब भी नंबर निकालना हो भिन्न उल्टे कर दो और जो निकालना है वो सीधा ही रहेगा। बात समझ गए? चलिए, तो ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन देखा हमने। मैं अलग अलग हर एक चैप्टर के एक एक दो दो क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि दिल्ली पुलिस में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लेते हैं जो कि निहायत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप दशमलव देख के मत घबराना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चा कहां कंफ्यूज हुआ, 3 2 3 2 6। एक आधा बच्चा जो मैथमेटिक्स की कम प्रैक्टिस करके जाता है उसने तो ये डेसिमल यानी कि दशमलव देखते ही ये क्वेश्चन छोड़ दिया होगा कि डेसिमल आ गया, चलो छोड़ो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जबकि कुछ भी नहीं था। आप अगर एक चीज पर ध्यान दें, देखो थोड़ी देर के लिए पेपर में जब भी आपके सामने ये प्लस माइनस वाले क्वेश्चन आए तो बच्चों इनमें लगेंगे ए और बी वाले फॉर्मूले। अगर 0.3 को हम लोग क्या मान ले ए और 0.2 को हम लोग क्या मान ले बी, तो आप ध्यान देना ऊपर क्या है a into यानी ऊपर क्या लिखा हुआ है a³ - b³, और नीचे क्या है a² + b² और 3 × 2 कितना होता है 6 यानी के ए बी। और जिसने फॉर्मूले पढ़े होंगे अब उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ क्या बच गया a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, a² + b² + ab, और नीचे क्या है a² + b² + ab, ये कैंसिल हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया a - b, 0.3 - 0.2 आपका आंसर आ गया 0.1, या पेपर में 1/10 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन का ध्यान रखना। अब सुनिए, पेपर में इतना सब नहीं लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखवाया, पेपर में तो बच्चा यहीं पर इस क्वेश्चन को पकड़ लेगा। देखिए उसे दिखाई देगा a³ b³, ठीक है, यानी कि a³ - b³ दिखाई दिया, और नीचे a² b² और ab, वो तो कट ही जाएगा। सिर्फ आंसर क्या, बच्चे को यही नजर आना चाहिए था कि उसका आंसर है क्या a - b, और a - b भी नहीं लिखना था, लिखना क्या था 0.3 - 0.2, ये उसका आंसर। कैसे, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली आपको पता है कि ये चीज कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ a - b बच जाएगा, और 0.3 में से 0.2 गया 0.1, या पेपर में 1/10 भी ऑप्शन में हो सकता है, तो आपको आंसर लगा देना था। तो ऐसे क्वेश्चन भी हर बार दिल्ली पुलिस में मिलेंगे, इनको सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के क्वेश्चन कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, ए और बी वाले फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है, आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, हार्डली 8 या 10 फॉर्मूले होंगे। और अगर आपने सिग्मा गुरुकुल को शुरू से फॉलो किया है तो मैंने एलजेब्रा की एक क्लास पढ़ाई थी, आप अगर देखेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरी एक क्लास होगी जिसमें मैंने लिखा हुआ है एलजेब्रा, एलजेब्रा में ये सारे फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों समझाए हुए हैं, आप उस वीडियो को देखना, वो वीडियो दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को कम से कम 2 नंबर जरूर देके जाएगी। तो आप अगर आपके पास समय हो तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लेना, 1 घंटे के करीब की वीडियो है जिसमें मैंने एलजेब्रा के और सिंप्लीफिकेशन के सारे फॉर्मूले पढ़ाए हुए हैं, उस पे जाओगे तो 1 या 2 नंबर आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला पकड़ना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, बस थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करेगा।
अब बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसकी कोई ट्रिक है? तो दुनिया में हर एक सवाल की ट्रिक बनाने की कोशिश मत करना। मैं अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सा सवाल है, उसमें यह मत सोचना कि इसका कोई फॉर्मूला है क्या, ठीक है? उसने पूछा था कि हाउ मैनी सिक्स, हाउ मैनी टाइम्स द नंबर सिक्स विल कम फ्रॉम 1 to 70। ये क्वेश्चन पिछली बार के पेपर में आया था, हिंदी वाले बच्चों को मैं समझा दूं। हाउ मैनी टाइम्स द नंबर सिक्स विल कम फ्रॉम 1 to 70, मतलब जब 1 से लेकर 70 तक आप संख्याएं लिखेंगे तो उसमें 6 कितनी बार आएगा। अब इसके लिए बच्चे फॉर्मूला सोचना शुरू कर देते कि ये कैसा सवाल आ गया, जबकि कुछ था ही नहीं। वो जनरली क्या पूछ रहा है कि अगर आप 1 से लेकर 70 तक लिखते हुए चले तो 6 कितनी बार आएगा। अब बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, 6 कब आएगा? जब 6 लिखेंगे तब आएगा, जब 16 लिखेंगे तब आएगा, 26 36 46 56। अब सीधा यहां 66 मत लिख देना, क्योंकि जब 60 लिखेंगे तब भी 6 आएगा, ठीक है? 60 61 62 63 64 65 66 67 8 9 और 70 में 6 नहीं आएगा। तो सारे 6 मिल गए आपको, 1 से लेकर 70 तक। जब पहले 6 लिखेंगे तब 6 आएगा, फिर 16 26 36 46 56 और 60 की लाइन में हर बार आएगा। अब यहां 6 आप गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये दोनों गिने जाएंगे, और 15 16 और 17, तो 17 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला नहीं होता, इस क्वेश्चन के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप उंगलियों पे काउंट कर सकते थे भाई, पहला 6 कहां आएगा, 6 पे, फिर 16 पे दूसरा, फिर 26 पे तीसरा, 36 पे चौथा, 46 पांचवा, 56 छठा, और उसके बाद 60 पे सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे करके और 69 तक आपके 6 होंगे, ठीक है? इजिली सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही बात करूंगा, और कम से कम हम 2 वीडियो बनाएंगे प्रीवियस ईयर के ऊपर, उसके बाद हम लोग फिर टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, क्योंकि पहले ये दिखा दूं कि पेपर में किस लेवल का मैथ्स आता है। बहुत लोग ऐसा करेंगे कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लेवल ही नहीं है वो क्वेश्चन पढ़ाना शुरू कर देंगे बिना बात अपना टीचिंग दिखाने के लिए। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दिख भी रहा होगा कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये आया था कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द लार्जेस्ट 2-digit prime number is divisible by 6, ठीक है? हिंदी में समझ लीजिए, what will be the remainder, यानी कि शेषफल। ये पूछ रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा बच्चों। मेरे ख्याल से प्राइम नंबर के बारे में आप सभी जानते होंगे, प्राइम नंबर जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या, ठीक है? और जो भी मैथमेटिक्स के थोड़े से हल्के लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें नंबर्स के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, या हिंदी में इनको बोलते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो इस टाइप के सवाल कॉन्स्टेबल लेवल, एमटीएस लेवल पे आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए प्राइम नंबर क्या होता है, वो संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2। अब आप मुझे बताओ कि जो 2 है वो किस किस संख्या से भाग होगा। एक तो 2 1 से भाग हो जाएगा और 1 2 से भाग हो जाएगा, तो ये दोनों इसके क्या हो गए, फैक्टर, या हिंदी में हम इनको बोलेंगे गुणनखंड।
ठीक है, और जिस संख्या के केवल दो ही फैक्टर यानी कि दो ही गुणनखंड होते हैं वो एक अभाज्य संख्या होती है, जैसे कि 5, जैसे कि 11, जैसे कि 17, जैसे कि 19 और बहुत सारे आएंगे। अब उसने हमसे पूछा दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बच्चों क्या होगी, 97। आप लोग 1 से लेकर और 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है उनको जरूर याद कर लें, ठीक है। मैं लिख देता हूं, 2, 3, 5, 7, 11, ये होती है पहली 5 अभाज्य संख्याएं, पहले 5 प्राइम नंबर। उसके बाद अगले 5 होंगे 13, 17, 19, 23 और 29, फिर अगले 5 होंगे 31, 37, 41, 43 और 47, ये हो गए पहले 15। इसके बाद आ जाएगा आपका 53, 59, 61, 67 और 71, और फिर इसके बाद आ जाएगा 73, 79, 83, 89 और 97। तो बच्चों ये क्या आ गए, पहले 25 प्राइम नंबर, फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स, पहली 25 अभाज्य संख्याएं। और इनसे लगभग हर एक पेपर में, DSSB के एग्जाम्स में और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में प्राइम नंबर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि 1 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं, 1 से 30 तक कितने होंगे 10, 1 से 50 तक कितने होंगे 15, और 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे 25। तो ये बात भी कई बार पूछी गई है, कभी कभी पूछ लेता है पहले 5 प्राइम नंबर का टोटल कितना होगा, 5ों को जोड़ दो भाई, पहले 10 प्राइम नंबर का टोटल कितना होगा, 10ों को जोड़ दो, पहले 5 का 28 होता है, पहले 10 का 129 होता है। ये काम आप घर पे भी कर सकते हो कि पहले 5 का टोटल कितना होता है, पहले 10 का टोटल कितना होता है, पहले 15 का टोटल कितना होता है, पहले 20 का, पहले 25 का, या पहले 5 का औसत कितना होता है। तो 5ों को जोड़कर 5 से भाग कर दो, औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो पहले 5 का औसत पूछा तो 5ों को जोड़ के 5 से भाग कर दो, पहले 10 का औसत पूछा तो 10ों को जोड़कर 10 से भाग कर दो। तो प्राइम नंबर के ज्यादा फॉर्मूले नहीं होते, इनको हमें याद रखना पड़ता है। तो प्राइम नंबर पर आप लोग बहुत ध्यान देना, स्पेशली जो पहले 25 प्राइम नंबर है इनसे क्वेश्चन बनता है हर बार, ठीक है। तो सारी बातें मैंने लिख दी, इनका टोटल कर लेना, इनका औसत निकाल लेना। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द लार्जेस्ट 2-डिजिट प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब लार्जेस्ट 2-डिजिट प्राइम नंबर यानी कि सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है, 97, और हमसे पूछा था 97 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है, बस पता होना चाहिए था कि दो अंकों की अभाज्य संख्या सबसे बड़ी होती कौन सी है, और तीन अंकों की सबसे छोटी, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, 101, ये क्या है, इसको याद रखना, स्मॉलेस्ट 3-डिजिट प्राइम नंबर यानी के सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या होती है 101, क्या पता अगली बार इस पे क्वेश्चन आ जाए, ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसको भी ध्यान रखना। तो प्राइम नंबर पे मैंने थोड़ी सी जानकारी दी, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो केवल दो संख्याओं से भाग होती हो। पहले 100 तक कितने होते हैं 25, पहले 30 तक 10, पहले 50 में 15 और पहले 100 में कितने होते हैं 25, सबसे बड़ी दो अंकों की 97। इन सबको अलग अलग जोड़ के आपको देखना है घर पे, इनके औसत निकाल के देखना है, ये सब काम आपको करना है, मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। इसके बाद आप लोग खुद औसत करना, इनका सम निकालना, ये काम करके देखना। अब यहां आंसर क्या आ जाएगा, ये 16 × 6, 16 पे चला जाएगा 96, तो आंसर आ जाएगा 1 कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा 1। तो ये क्वेश्चन तो देखो एक ही था, पर मैंने कोशिश की कि प्राइम नंबर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मैं दे सकूं, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आएगा। फिर भी एक चीज और लिख लेना, 1 से लेकर, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, 1 से लेकर 200 तक बच्चों कितने प्राइम नंबर होते हैं, 46, याद रखना, ठीक है। वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले कि 1 से लेकर 150 तक कितने होते हैं, तो 150 तक होते हैं बच्चों 35, 35। 1 से लेकर 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 95।
95, और एक से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 168। बाकी ये जो जानकारी मैंने यहां पर लिखी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मुझे नहीं लगता एसएससी वगैरह में भले ही पूछ ले, लेकिन आपके लिए ये काफी, ये मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए लिख दिया। ये प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी क्योंकि एक क्वेश्चन की यहां से उम्मीद रहती है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, किसका, एसआई का, यानी कि साधारण ब्याज का। वो बच्चे बिल्कुल निराश ना हो जिन्होंने दिल्ली पुलिस की तैयारी अभी अभी शुरू की है, क्योंकि वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये सर क्या किए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के पेपर का लेवल पिछली बार कैसा था, इस बार या तो एक लेवल इससे ऊपर आएगा या उतना ही आएगा, कम तो कभी नहीं होता किसी पेपर का लेवल, और आपको यह मान के भी नहीं चलना कि पेपर का लेवल घटेगा, ठीक है, या तो बढ़ेगा या उतना ही रहेगा। तो मैं लेवल दिखा रहा हूं, जो बच्चों ने अभी तैयारी की शुरुआत ही की है तो वो बस एक दो क्लास का वेट करो, फिर हम लोग शुरू से सारा सिलेबस करेंगे। मैं केवल ये दिखा रहा हूं कि हम लोग पढ़ाएंगे किस तरीके से और कैसे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना सीखे। ठीक है, देख सुनिए, अभी क्वेश्चन था, दिया हुआ था कि 2 साल में कोई धनराशि 882 रुपए हो जाती है। यह 882 क्या है बच्चों, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। साधारण ब्याज का क्वेश्चन था कि 2 साल में कोई पैसा इतना हो जाता है अमाउंट, तो ये प्रिंसिपल नहीं है, ये मूलधन नहीं है, ये क्या है, मिश्र धन, प्रिंसिपल तो मालूम ही नहीं है यहां पर। और 3.5 साल में वो पैसा कितना हो जाता है, 1018 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, ये भी क्या है, मिश्र धन। तो पूछा था कि ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कुछ बच्चे तो सिंपल इंटरेस्ट देखते ही पीआरटी के बारे में सोचने लगते हैं, पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर नहीं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो पीआरटी से पहले आप ये चीज देखो, जब कभी आपके सामने मिश्र धन आ जाए तो सबसे पहले तो वहां से ब्याज निकालो। देखो 3.5 साल में कोई पैसा कितना हो गया, 1018 रुपए, 50 को मैं अगर 0.5 भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 साल में कितना हुआ था, 882। अब मैंने ये क्यों लिखा, देखो बच्चों 882 में क्या जुड़ा कि 1018 रुपए 5 पैसे या 50 पैसे हो गया, क्या जुड़ा, ब्याज जुड़ा होगा। कोई भी पैसा जब बढ़ता है तो कभी भी आपको मालूम होगा कि साधारण ब्याज की एक खास बात होती है कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कभी नहीं बढ़ता, सिर्फ क्या बढ़ता जाता है, ब्याज। तो यानी कि इन दोनों में अगर मैं कहूं कि 1.5 साल का ब्याज कितना है, तो इन दोनों को घटाएंगे, ये आ जाएगा 5, 6 और 10 में से 8 गया 2 और ये आ गया 3 और 1, 136.5। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1.5 साल का ये क्या है, ब्याज। कभी भी आप अगर 2 मिश्र धन को आपस में घटाएंगे तो वो उस टाइम का क्या होता है, ब्याज। यानी हमें ये पता लग गया कि 1.5 साल में उसने कितना ब्याज कमाया, 136.5। अब मैं यहां से अगर 1 साल का निकालना चाहूं, सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, और 15 बराबर किसके है, 1365 के, तो यहां से 1 साल का ब्याज हमारा कितना निकल जाएगा, 1365/15, यानी कि इसको आप काटेंगे तो आ जाएगा 90। ठीक है, ये बात समझ में आई। जब भी आपके सामने 2 मिश्र धन दिए हो तो दोनों को घटा देना, और इधर से टाइम भी आपस में घट जाएगा। तो 1.5 साल का 136.5 था, दशमलव हमने हटा लिया, तो 1 साल में उसे कितना ब्याज मिला, 91। तो बताओ कि 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में 91 मिला तो 2 साल में कितना मिलेगा, 2 × 91 यानी कि 182 रुपीज। तो बच्चों 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 182 रुपए। ठीक है, और 2 साल का मिश्र धन कितना है, 882। 882 में से अगर हम 182 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया, 700 रुपए, और ये हमारा निकल के आ गया मूलधन यानी के प्रिंसिपल। अब अगर इस क्वेश्चन में खाली प्रिंसिपल पूछा होता तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया था। यानी फिर से समझ लीजिए, 2 मिश्र धन दिए, सबसे पहले ब्याज निकाला और 1 साल का ब्याज निकाल लिया। अब 1 साल के बाद मैंने 2 साल का क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास 2 साल का मिश्र धन है। अगर मिश्र धन में से ब्याज घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है, मूलधन। ठीक है, अगर अमाउंट में से
और इंटरेस्ट माइनस कर दे तो क्या निकल आता है, प्रिंसिपल। तो मैंने सबसे पहले ब्याज निकाला एक साल का, उसका डबल कर दिया वो दो साल का ब्याज, और मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन कितना आ गया 700। तो कई बार तो मूलधन ही पूछा जाता है, लेकिन उसने क्या पूछा था कि ब्याज की दर क्या है। अब ब्याज की दर का मतलब होता है कितने रुपए पे कितना ब्याज मिला और गुणा 100। कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे एसआई में तो कैसे निकालना है, कितना मूलधन था कितना ब्याज मिला और गुणा 100। तो मूलधन कितना था 700 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 700, और ब्याज क्या कमा रहा है 91 एक साल में, कितना मिला कितने रुपए पर मिला और मल्टीप्लाई बाय 100। और वैसे भी परसेंटेज का बेसिक रूल है कितना किस पे और गुणा 100, ठीक है। तो कितना ब्याज मिला 91, किस पे मिला 700 पे और मल्टीप्लाई बाय 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 13%। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं जितना आप समझ रहे हो, समझाने में टाइम लगता है, सॉल्व करने में कभी टाइम नहीं लगता। सीधा बच्चे को घटाना था, एक साल का ब्याज निकल गया, उसका डबल दो साल का ब्याज 182, 882 में से 182 माइनस प्रिंसिपल आ गया, ब्याज हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 13%, ठीक है। तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें आपको एक दो लाइन लिखनी पड़ेगी। अब किसी बच्चे के माइंड में आया सर इसकी कोई ट्रिक है, तो बच्चों पहली क्लास में ही सारी ट्रिक बता दूंगा तो आगे का सारा मजा चला जाएगा, ठीक है ना। आज इतना ही पढ़ाई करेंगे कि जितना आप एक दिन में हजम कर सके। अगर मैं एक क्लास में 10 ट्रिक बता दूंगा तो आप 2 ही याद कर पाएंगे, ठीक है ना। जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो ऐसी ऐसी बातें मैं आपको ब्याज के बारे में बताऊंगा कि बिना फॉर्मूले के हम ब्याज का चैप्टर करेंगे, सिर्फ जिसको प्रतिशत आता हो और गुणा करनी आती हो बस, ठीक है बच्चों। तो ये मेरी एक छोटी सी शुरुआत थी, पहला ही लेक्चर मैं इतना लंबा नहीं करूंगा कि आपका इंटरेस्ट चला जाए, लेकिन आज की क्लास में भी हमने 2 से 3 ऐसी खास बातें सीखी जिन पर आप लोग वर्क करोगे तो पेपर में बहुत टाइम बचा सकते हो। आज मैंने कम से कम 7 से 8 चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन लिए। अगली क्लास में फिर हम एक ऐसा ही प्रीवियस ईयर का सेशन रखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर प्रॉपर पहले चैप्टर से मैथमेटिक्स की शुरुआत करेंगे। इसी तरह से मैं एक रीजनिंग के भी कई लेक्चर लेके आऊंगा। अब आपको हर एक दिन छोड़ के एक दिन या कभी कभी डेली भी एक लेक्चर आपको दिल्ली पुलिस के ऊपर मिलेगा। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता हम कम से भी कम 100 लेक्चर आपको देंगे, 100 वीडियो जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हम इसके लिए कोई पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बहुत दुनिया है जिन्होंने पेड कोर्स चला रखे हैं, तो हमने कोई पेड कोर्स स्टार्ट नहीं किया। हम सिर्फ ऑफलाइन में पेड पढ़ाते हैं और ऑनलाइन में हम सिर्फ आपके लिए काम करते हैं, कोई पैसा आपसे नहीं लेते। बस आप ईमानदारी से तैयारी करें, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मोटी फीस नहीं दे सकते, तो वो प्लीज बस हमारे चैनल को फॉलो करें। हम कम से कम 100 लेक्चर आपको जरूर देंगे और वो 100 लेक्चर के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप खुद भी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमारे 100 लेक्चर से सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों लगे रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद।